बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल अदनान खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी आज का वीडियो है कि ग्रैंडफ्राइम प्लस G530, ग्रैंडफ्राइम G531, इस मोबाइल से हम FRP जो है बाईपास ये कैसे कर सकते हैं, इसका तरीक़ा क्या है। अगर आपकी मोबाइल पे कोड है और आपने ये रिस्टोर किया है और इस पर जीमेल आया है, यानी ये पारफी पे गया है, तो ये मैं बाईपास में आज रिमूव करने आया हूँ। इसमें ना PC की ज़रूरत है, ना लैपटॉप की ज़रूरत है और ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, मेरे पास G530 मोबाइल है, ये जो है इस पर FRP लॉक आया है, तो इस आज मैं इससे ये रिमूव करने आया हूँ। तो चले देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर कि ये कैसे रिमूव होगा और किस तरह होगा। कोई भी स्टेप स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो जी दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल जो है वाईफाई से कनेक्ट करना है या इंटरनेट इसमें होना लाजिमी है। आपने ऐड पर क्लिक करना है या कुछ लिखना है, इसके बाद आपने यहाँ पर प्रेस दबाना है और ये जो गूगल का निशान दिख रहा है आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है। जी तो आपको इस पर इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ नो थिंग्स पर क्लिक करना है। तो आपने नो थिंग्स को क्लिक करना है, जैसे मैं नो थिंग्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपने भी नो थैंक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ क्रोम लिखना है या गूगल लिखना है, तो मैं इधर गूगल क्रोम को खोल रहा हूँ। यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तो आपने भी यहाँ गूगल क्रोम को सर्च करना है। जैसे आप देखें, मैं भी गूगल क्रोम को सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इधर लिख रहा हूँ गूगल क्रोम, या आपने डायरेक्ट जो है क्रोम को सर्च करना है। जैसे मैं क्रोम को सर्च कराऊँ तो आपने क्रोम को खोलना है। क्रोम को खोलने के बाद ऐसा कोई इंटरफेस आएगा, आप एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, फिर यहाँ भी नो थैंक्स पर क्लिक करना है, या आपने एक बाईपास के लिए एक वर्जन डाउनलोड करना है। आपने यहाँ गूगल अकाउंट मैनेजर 601.01 आपने ये फीके को डाउनलोड करना है, गूगल अकाउंट मैनेजर 6.0.0 FEK आपने डाउनलोड करना है यहाँ। लेकिन ऐसा डाउनलोड करना है जो सही हो, ये मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ, आप भी देखिए आपने ये डाउनलोड करना है। ये मैंने डाउनलोड किया, इस पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है, तो ये अब डाउनलोडिंग स्टार्ट है इसका। इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपने, तो आप देखें मैंने ये जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट किया है, इसमें कुछ नहीं है और इसमें डाउनलोडिंग जो है ये स्टार्ट हो गया। आप यहाँ भी डाउनलोडिंग चेक कर सकते हैं कि ये स्टार्ट है कि नहीं है, तो इस मोबाइल में तो ये नहीं है, लेकिन यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आपने इसके बाद इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने ऊपर डाउनलोड करना है FRP बाईपास FEK, आपने FRP बाईपास FEK को डाउनलोड करना है, यानी मैंने FRP बाईपास 2.0 वर्जन आपने डाउनलोड करना है। तो देखिए ये मैंने जो है डाउनलोड करना स्टार्ट किया, आपने डाउनलोड पर क्लिक करना है, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए फिर मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ ओके पे क्लिक करना है, तो ये डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गया। इस डाउनलोड के बाद आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इसमें गूगल अकाउंट जो आपने डाउनलोड की थी ये आपने इसमें इंस्टॉल करना है। तो आपने ये डाउनलोड करना है, ये देख के मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपने भी इसके बाद इंस्टॉल करना है। ये देख के ये इंस्टॉलिंग स्टार्ट है, जब इंस्टॉलिंग क्लिक हुआ तो आपने इंस्टॉलिंग कम्प्लीट करने के बाद आप देख के आपने यहाँ डन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने FRP बाईपास को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, तो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये भी डाउनलोड यानी इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन करा हो जाने के बाद आपने यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, तो मैं भी 3 डॉट पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। आप ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यह आपसे दो ऑप्शन मांगेगा, यह आपसे वो ID मांगेगा कि आपके पास Gmail अकाउंट पहले से मौजूद हो, तो आपने यहाँ Gmail डालना है, करना ही तो आपने यहाँ न्यू अकाउंट बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसा बनाए। आपने यहाँ एक नेम देना है, जैसे मैं
नेम लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ एक नेम लिखना है, जैसे मैं अदनान खान का नेम लिख रहा हूँ तो आपने भी यहाँ एक नेम को लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ यूज़र नेम डालना है, लेकिन आपने ऐसा यूज़र नेम डालना है कि पहले किसी का भी नहीं हो, तो ऐसे यूज़र नेम डालना है। यहाँ इसके बाद आपने दो टाइम पासवर्ड डालना है, लेकिन पहले पासवर्ड और नीचे कंफर्म, तो आपने सेम पासवर्ड देना है दोनों में। ये न्यू अकाउंट के लिए है, तो आपने यह एक सेम पासवर्ड जो है ये देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ तो आपने भी इस तरह का देना है। तो आपने, मैंने एक पासवर्ड दो दफ़ा गलत डाला है, अब दोबारा मैं पासवर्ड जो है डाल रहा हूँ, तो आपने भी ऐसा जो है पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर मैं तरीक़ा सिखाने आया हूँ, तो मैं ये दो दफ़ा पासवर्ड जो है ये डाल दिया, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। पासवर्ड आपने डालना है, तो पासवर्ड करने डालने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने मोबाइल नंबर नहीं देना, बस इसको स्किप करना है, या आपने जो है डेट ऑफ बर्थ देना है 12, आपने कोई भी इनसे को लिखना है, या 1998 करना है, या 91 करना है, या मेल करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने फिर से जो है एग्री करना है। एग्री करने के बाद फिर आपने एग्री करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने साइन इन जो है ये स्टार्ट हो गया, ये कुछ मिनट में ये आगे जाएगा, तो ये कुछ टाइम लेगा। इसके बाद आपने यहाँ कुछ नहीं करना, बस अपना मोबाइल जो है ये रीस्टार्ट करना है, जैसे मैं अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने भी यहाँ अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है। हाँ, तो मोबाइल रीस्टार्ट करने के बाद क्या करना है, तो आप वीडियो को गौर से देखें, थोड़ा वेट करना होगा। इधर मोबाइल जो है ये रिस्टार्ट हो गया। स्टार्ट करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, या आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट एग्री करना है, तो इसके बाद ये 2 मिनट आपसे लेगा, तो आपने कुछ वेट करना है। वेट करने के बाद आपने ये स्किप करना है, जैसे आप देखिए कुछ टाइम लेगा आपसे, तो आपने यहाँ जो है कुछ टाइम वेट करना है। तो देखो ये आगे चला गया और इस पे आए जस्ट ए सेकंड, तो आपने कुछ सेकंड जो है ये वेट करना है इसके लिए। तो जिस दोस्तों, तो यह आपने यहाँ नॉट नाउ पे क्लिक करना है, और यह आपने ये टिक मार को ख़त्म करना है, बैक जाना है वापस, और यहाँ ये टिक मार ख़त्म करने के बाद स्किप करना है। स्किप करने के बाद स्किप एनीवे पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो है फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ नीचे स्किप करना है, और फिर स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपने यहाँ जो है क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एग्री करना है, और यहाँ यस करना है। यस करने के बाद आपका मोबाइल जो है ये ऑन हो जाएगा, इससे FRP लॉक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ डन करना है। तो ये तरीक़ा था FRP करने का, ग्रैंड प्राइम G532 G530 सब मॉडल का ये FRP था। यहाँ से आपने फिर वो ओल्ड अकाउंट रिव्यू भी कर सकते हैं, ये कोड एंड अकाउंट पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी सब FRP लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।